हुए प्रेरित तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए लगा दी जान, बन गए आईपीएस। जान लीजिए मनोज रावत की कहानी। जल्दी पिता की मृत्यु हो गई, आर्थिक तंगे जैसे हालात हो गए। 19 साल की उम्र में निकाली कांस्टेबल की भर्ती, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। कांस्टेबल पद से दे दिया इस्तीफा, कोर्ट में क्लर्क के रूप में हो गए ज्वाइन। सीआईएसएफ की नौकरी ठुकरा कर मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी और 2019 में बन गए आईपीएस। सनी देओल की इंडियन फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि अधिकारी यूपीएससी पास करने के लिए झोंक दी मेहनत। आज मिल गया संघर्ष का इनाम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा बहुत कठिन होती है। इसे पास करना बहुत मुश्किल होता है और यही वजह है कि इसे पास करने के लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता सुनिश्चित नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे शख्स मनोज रावत की कहानी को साझा करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड से प्रेरित होकर सिविल सेवा परीक्षा जैसे कठिन परीक्षा को पास किया और आईपीएस अधिकारी बन गए। मनोज मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के श्यामपुर निवासी हैं। मनोज के पिता निजी स्कूल में शिक्षक थे। मनोज के पिता कि साल 2008 में नौकरी चली गई और जिसके बाद मनोज के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वहीं मनोज ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। वो अपने परिवार में तीन भाई बहन में सबसे बड़े हैं। पिता की नौकरी जाने के बाद घर में आर्थिक रूप से परेशानी होने लगी। हालांकि उस समय राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती निकली हुई थी। ऐसे में मनोज ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी और 19 साल की उम्र में उनका चयन हो गया पुलिस कांस्टेबल पद के लिए। वहीं नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और इसके बाद उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस की पूरी पढ़ाई की। वहीं साल 2013 में उनका चयन कोर्ट में क्लर्क के रूप में हो गया। ऐसे में उन्होंने कांस्टेबल पद से इस्तीफा देकर क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। मनोज जिस समय पढ़ रहे थे तब उन्हें एक बार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में नौकरी का अवसर मिला। हालांकि उन्होंने ये अवसर ठुकरा दिया क्योंकि वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने खुद को छोटे लक्ष्य तक सीमित नहीं रखा। एक साक्षात्कार में मनोज रावत ने बताया कि वो अभिनेता सनी देओल के फैन हैं। वो सनी देओल की फिल्म इंडियन देखकर काफी प्रभावित हुई। उन्हें वहां से आईपीएस बनने की प्रेरणा मिली और इसके बाद उन्होंने दिन रात एक कर कड़ी मेहनत के साथ 2019 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दी और जिसमें उन्होंने 544 रैंक के साथ सफलता हासिल की और इसके बाद उन्हें आईपीएस बनने का अवसर मिला। उनके आईपीएस बनने पर आईपीएस एसोसिएशन की ओर से उन्हें बधाई भी दी गई। वैसे मनोज रावत की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।